राम, देखो ये चूहों ने क्या किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज थर्सडे 6 अगस्त एंड मैं अभी निकली हूँ मार्केट के लिए। आदि के साथ जाऊँगी क्योंकि उसके पापा ऑफिस गए हैं। और आज 6 तारीख हो गया है महीने का। राशन मैंने अभी तक नहीं लाया घर में, तो घर में कुछ भी नहीं है, सामान सब ख़त्म हो गया है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी, और मैं चाबी भूल गई थी तो मुझे दोबारा जाना पड़ा घर और गाड़ी का चाबी लाना पड़ा उधर से। बाहर जब आई तो बारिश हो रहा था, भीगते भीगते आई हूँ क्योंकि मैं मतलब आना आज मार्केट बहुत ज़रूरी था। घर में कुछ भी सामान नहीं था तो लेके जाऊंगी तभी जाके खाना बनाऊंगी, इसलिए आना ज़रूरी था। और आदि को अकेला मैं इतना टाइम छोड़ के घर में नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे उसे भी लाना पड़ा। एंड अभी जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, वो आदि कर रहा है, मैंने उसको सिखा दिया थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लो बेटा, तो वो कर रहा है खुद अपने आप से। तो देखती हूँ कि अभी तो मतलब क्या, मैं तो मार्केटिंग कर रही हूँ, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, घर जाके देखूँगी कि वो कैसा रिकॉर्डिंग किया है। और अभी आके देख रही हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा खासा तो कर ही रहा है। ग्रोसरी मार्केटिंग करना है, वेजिटेबल भी लेना है क्योंकि घर में वेजिटेबल भी नहीं है। लेके जाऊँगी तभी लंच बनाऊँगी, तो वेजिटेबल भी लेके जाना पड़ेगा। एंड देखती हूँ कि जो ज़रूरी सामान है वो मैं लेके जाऊँगी। और महीने का सामान लाना भी एक हेडेक है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो है क्योंकि मुझे वो अकेले जाना पड़ता है लेने के लिए। जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो भी साथ में जाते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे तो वो नहीं रह सकते ना, क्योंकि वो उनको जाना होगा ऑफिस। तो इसीलिए मैं मेरे से जितना हो पाएगा मैं लेके जाऊँगी और बाकी का मैं बाद में देखूँगी। अभी भी बारिश हो रहा है, आप देख पा रहे होगे मेरे पीछे बारिश हो रहा है, लेकिन ऐसे ही भीगते भीगते ही जाना पड़ेगा हम माँ बेटे को। मार्केट से तो वापस आ गई लेकिन पूरा भीग गई हूँ मैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अभी ड्रेस चेंज करूँगी, थोड़ा हाथ पैर धोऊँगी अच्छे से, देन उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लाई हूँ और क्यों मैं इतनी थकी हुई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रुकिए, ये 3 बैग में भर के मैं सामान लाई हूँ, उसमें है वेजिटेबल्स और ये 2 ग्रोसरी का सामान है। और ये तीनों बैग को मैं एक साथ उठा के नीचे से ऊपर लेके आई, तो इसलिए मैं पूरा थक गई हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में, वो दिखाती हूँ कि मैं इस बार क्या नया चीज़ लाई हूँ। टाइम देखो अभी कितना हुआ है, 1 बजने वाला है और मैंने अभी तक घर का कुछ भी काम नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि रूम का हालत क्या है। देखो ये देख रहे हो कितना सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, इधर भी थोड़ा देख लो। क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और खाना भी अभी तक नहीं बनाया। सारे वेजिटेबल्स को मैं पहले अच्छे से धो दूँगी, उसके बाद में रखूँगी फ्रिज में। तो इसलिए मैंने उसको पहले कंटेनर में भर लिया, देन अच्छे से वॉश कर लूँगी उसको। फिर मार्केट से मैं ये लेके आई हूँ एक रखने के लिए। एक तो फ्रिज के साथ फ्री दिया हुआ था लेकिन वो ओपन वाला था वाइट कलर का, एंड ये एक लेके आई हूँ। एंड ये सारा बिस्किट आदि का है, थिन अरा रूट आदि खाता है, एंड सारे चॉकलेटी बिस्किट जो भी होता है वो आदि को बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए मैं चूज़ करके वही लाती हूँ। एंड ये 2 टैप में लगाने के लिए, पानी के टैप में लगाने के लिए लाई हूँ, ये इससे पानी बहुत अच्छा आता है मतलब। तो ये 2 लाई हूँ, एक बाथरूम के लिए एंड एक किचन के लिए। एंड और बाकी का जो भी ग्रोसरी सामान मैं रेगुलर लाती हूँ, वो ये वाला नया लाई हूँ ब्लैक रेजिन्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे इस बार कि वो ब्लैक कलर का लाना, वो लाई हूँ। एंड आलमंड तो ऑब्वियसली आदि के लिए ही है। और इस बार वैसे कुछ खास मैं नहीं लाई, जो हर महीने लाती हूँ वही लाई हूँ। एंड इस बार कुछ वो जो रुचि का मैक्रोनी है वो लेके आई हूँ, उसको मैं बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। हमारे डाइनिंग टेबल का क्लॉथ एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो इस बार मार्केट से आते वक्त मैंने सोचा कि अब और तो कब आऊँगी मार्केट पता नहीं, तो जाते वक्त ले जाऊँगी।
टेबल क्लॉथ डालने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो। इसी बीच मैंने चावल चढ़ा दिया है और घर का काम भी मैं कर रही हूँ साथ ही साथ। ये जो ब्लू कलर का मैट्रेस प्रोटेक्टर आप देख रहे हो, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है अमेजन से। अगर किसी को चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। बेडशीट मैं एक्चुअली एक मेला से ख़रीदी थी, ऑनलाइन नहीं। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैं तो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ, तो ये भी। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। हाय राम, देखो ये चूहों ने क्या किया, सत्यानाश कर दिया पूरा। ये आधा केजी का मिक्सचर का पैकेट था, पूरा खा के देखो इतना बस बचा है। और ये मतलब कैसे यार, बाकी यहाँ पे इतना सारा चीज़ें कुछ नहीं खाए और ये देखो कितना गंदगी फैलाए रखे हैं। मैंने एक्चुअली बहुत दिन हो गया है मैंने इसको चेक नहीं किया, क्योंकि मेरा दूसरा जो मिक्सचर का पैकेट मैंने जो डिब्बे में भर के रखा था वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो अभी देख रही हूँ तो इसका ये हालत है, इन चूहों ने क्या किया। वेजिटेबल्स को धो के मैंने छान लिया है एंड देन उसको अब मैं रख दूंगी फ्रिज में। दिन में एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ा मेहनत वाला काम किया है ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। खाना खाने के बाद मैं अभी आके बेडरूम में थोड़ा सा लेटी हूँ, सोऊंगी नहीं पूरा, बस ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। तो आज का ब्लॉग था यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ बिना लाइक किए जाना मत। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।